हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का रसायन शास्त्र का है, कक्षा 12वीं का है, सेट ए का है। यह सेट ए का है। यदि आपको 70 में 70 अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये आपका पार्ट टू है। कौन सा है? पार्ट टू है। पार्ट वन पहले ही मैंने डाल दिया, जिसमें क्वेश्चन क्रमांक 1 से क्वेश्चन क्रमांक 8 तक बता दिया हूँ। और इस वीडियो पर मैं क्वेश्चन क्रमांक 9 से लेकर के क्वेश्चन क्रमांक आपका 20 तक मैं पूरे के पूरे आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, तभी आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के में शेयर करते जाना। यदि आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जा करके ज्वाइन हो करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 9 क्या है? यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 9, प्रबल विद्युत अपघट एवं दुर्बल विद्युत अपघट में अंतर। तो इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट पर पूरे के पूरे आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूं। चिंता लेने की कोई बात नहीं। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, इनके आंसर वीडियो के जस्ट लास्ट में हैं। तो संरक्षण के बचाव का कोई एक तरीका बताइए। ठीक, फिर 10वां क्या है? संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? इसके अथवा में क्या है? संक्रमण तत्वों को का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? यानी संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पास निकालने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? उपसंयोजी गोला किसे कहते हैं? और इसके अथवा में क्या है? लिगेंड को परिभाषित करना है। ठीक, इसी क्रम में यहाँ पास देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 12 क्या है? क्लोरोफॉर्म एवं फीऑन का एक उपयोग बताइए। और इसके अथवा में BHC तथा DDT का पूरा नाम लिखने को आया है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन रियल हैं, रियल पेपर है प्यारे बच्चों। 100% यही आएगा। ठीक, आदर्श व अनादर्श विलयनों में से 3 अंतर लिखना है। आदर्श व अनादर्श विलयनों में 3 अंतर लिखना है। मोलरता व मोलरता की परिभाषा आपको यहाँ पास देना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत अपघट के फैराडे के नियम को समझाना है। ठीक, फिर अगला क्या है? विलयन की चालकता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 15 क्या है? संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखिए तथा कोई एक गुण की व्याख्या करना है। इसके अथवा में क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना है यहाँ पास। क्वेश्चन क्रमांक 16 क्या है? वर्नर का उपसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत समझाना है। और होमोलेप्टिक व हेटलोपेटिक संकुल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ पास एक आंकिक प्रश्न दिया गया है। इसके नीचे भी आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पास लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में 4 अंतर निकालना है। अक्सर पूछे जाने वाला 4 नंबर का प्रश्न है, आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, ये तालिका, इसको तैयार कर लेना। यहाँ पास IPCU नाम, IUPAC नाम लिखने को है। इन सभी के 4 हैं, 4 में एक एक नंबर के हैं। फिर निम्नलिखित के सूत्र लिखना है, इनके सूत्र लिख दीजिएगा यदि आपसे बनता है तो। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 20 क्या है? क्या होता है केवल अभिक्रियाएँ लिखिए। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है? SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर लिखना है। इसके आंसर नीचे वीडियो के लास्ट में इधर दिए गए हैं, आपको मैं दिखाते जा रहा हूं आंसर। आप कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और पूरे आंसर आप लिखते जाइएगा के अनुसार। ठीक, पूरे आंसर आपको लिखते जाना है, कॉपी पेन निकाल लीजिए या स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पास से आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6 का उत्तर है, अणुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म की यहाँ पास पूरा विद्वत दिया गया है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास अगले क्रम में क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल का उत्तर यहाँ पास दिया गया है। फिर एक क्वेश्चन था BSC तथा DDT का पूरा नाम लिखिए। तो BSC का होगा बेंजीन हेक्साफ्लोराइड और DDT का होगा डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोक्लोरो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पास दिया गया है नाम। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं
फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन है फैराडे का नियम लिखने को है, तो फैराडे के नियम यहाँ पास आपको विधिवत दिया गया है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मोलरता को परिभाषित कीजिए, मोलरता यानी कैपिटल एम को परिभाषित करना है, तो मोलरता की परिभाषा यहाँ पास दी गई है, दो परिभाषा है, दोनों में से आप किसी को भी मोलरता और मोललता, ठीक ना, दोनों की परिभाषा यहाँ पास लिखने को था, तो दोनों की परिभाषा यहाँ पास दी गई है। पहले क्या है, यहाँ पास मोलरता की परिभाषा दी गई है और यहाँ पास मोललता की परिभाषा दी गई है, तो दोनों परिभाषाओं को आप याद कर लीजिएगा। फिर अगले क्रम में यहाँ पास आप देखिएगा SN1 अभिक्रिया तथा SN2 अभिक्रिया में अंतर आपको बताना है, तो ये अंतर पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आपको ओम का नियम लिखने को आया था, तो ओम का नियम यहाँ पास पूरा दिया गया है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन क्रमांक 9, क्वेश्चन क्रमांक 9 क्या है, प्रबल विद्युत अपघट एवं दुर्बल विद्युत अपघट में क्या अंतर है, तो प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट की परिभाषा और उदाहरण यहाँ पास दिया गया है, इसको अंतर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पास क्रमशः देख सकते हैं, लिगेंड की परिभाषा लिखिए, तो लिगेंड की परिभाषा यहाँ पास दी गई है, इसको विधिवत आप लिख सकते हैं। फिर संक्रमण तत्व यहाँ पास दिया गया है, संक्रमण तत्व की परिभाषा विधिवत दी गई है, इसको आप याद कर लीजिए। फिर लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में 4 अंतर लिखने को आया है, तो ये 4 अंतर यहाँ पास आपको दिया गया है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में, तो ये चारों के चारों अंतर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इन शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं टेलीग्राम पर इसका फोटो डाल दूंगा, है ना, पिक्चर डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, इमेज सारे के सारे इमेज मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप जा कर के देख लेना। मुझे लग रहा है कि बहुत कम ही दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम पर पूरे के पूरे हो जाएगा, या कि वीडियो का क्वालिटी आप बढ़ा लो तो शायद अच्छा दिखने लगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, और इसका पार्ट 1, जो पार्ट 1 के क्वेश्चन है उसके भी आंसर हमने प्रोवाइड किए हैं उसमें, तो अभी तक यदि पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा। और हाँ, इसका सेट B अभी आया है, कक्षा मतलब रसायन विज्ञान का 12वीं का सेट A आया है, और सेट B में भी बहुत सारे क्वेश्चन चेंजेस हैं, उस क्वेश्चन को भी वो सारे पेपर मैं अपलोड कर दूंगा नाइट में, जहाँ तक सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे, सुबह आपको पूरे के पूरे पेपर मिल जाएंगे, तो सुबह उठ करके आप सबसे पहले चैनल में आकर के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक, और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। सभी लोग अच्छे से याद करके जाइएगा, नकल वगैरह लेकर के मत जाइएगा, याद करके ही जाइएगा, ठीक।